जी दोस्तों, जीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल की तरफों एक अज एक दफ़ा फिर एक नवे टॉपिक के नाल वीडियो शुरू करने तो पहला दोस्तों मेरी थोड़े अगर रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो मेरे चैनल नो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा दोस्तों, अज का असी मैं दो टॉपिक लैके आया वा, तो दोवें टॉपिक जोड़े आ मुफीद है नॉन ईयू नैशनल वास्ते खुशखबरी है। दोवें टॉपिक जोड़े आ एक जी उत्ते अमल दरामद हो चुके वा, एक दे उत्ते होना वा टाइम लग जाना वा, शायद महीना ए 30 डेज और 60 डेज, लेकिन यह हो जाएगा। अच्छा पहला जरा टॉपिक आ साडा कि जेडे नॉन ईयू नैशनल किसी भी शेंजन टेरिटोरी दे विच रह रहे आ। अच्छा अज तो पहले अज 3rd of March 2024 आ जो मैं वीडियो बना रहा। तो अच्छा वो पहला इस तरह होंदा सीगा कि जिहड़ा कोई टैंपरेरी रेजिडेंसी होंदी सी जिहड़े शेंजन टेरिटोरी दे विच रह रहे सी, लैट सपोज के अगर कोई बंदा ग्रीस च रह रहा ना टैंपरेरी रेजिडेंसी दे विच, उनको ईवन जॉब है या नहीं है, वो कंट्री नहीं सी स्विच कर सकता। अगर उन्हें फ्रांस जाना वा टैंपरेरी रेजिडेंसी दे नाल वो नहीं सी जा सकता। हुण लेबर जी कोर्ट ने इमीग्रेशन में इल्तजा की है कि ये बंद का टाइम ज़ाया हो रहा वा, इतनी इतनी लंबी बाजूकात 5-5 साल लग जाते हैं टैंपरेरी रेजिडेंसी नू, कुछ कंट्री जोड़े 2 साल तो 24 मंथ के बाद जोड़े उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी दे देंगे, लेकिन वह क्राइटेरिया जोड़ा वा वो थोड़ा टफ हों वा, तुसी इतनी थोड़ी वेजेज होनी चाहिए आ, टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए वा, थोड़ा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम होना चाहिए वा ETC। लेकिन हूँ इस तरह हो रहा वा, हाले बिल पास नहीं होया, लेकिन इन्होंने सबमिट कर दिता वा, हो जाएगा कि तुसी कंट्री स्विच कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन आ, ये पहला किसी ने भी सोशल मीडिया के उत्ते ये गल नहीं दसी, थानू मैं दस रहा वा, तो मेरा एक लाइक तो बनता प्लीज़। अच्छा दूसरी खुशखबरी ये आ कि इटली ने उदे मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई आ कि उन्होंने वर्क परमिट नॉन ईयू नैशनल वास्ते 151,000 वर्क परमिट इशू किए आ जिहड़े बिजनेस मैन सीगे कि तुसी नॉन ईयू नैशनल नूं मंगवा सकते हैं अपने जो भी तुसी बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा मैं ना थानू इहदी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच इहदा मैं लिंक भी सेंड करूँगा, तुसी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उहदे विच इंडिया की सब तो ज़्यादा उन्होंने रिक्वायर्ड किए बंदे, दूसरे नंबर के उत्ते मिक्स जिहड़े आ नॉन ईयू नैशनल आ उन्होंने जिन्हां दे विच पाकिस्तान आ, बंगलादेश आ, श्रीलंका वा, नेपाल आ, होर भी जिन्हें भी आ नॉन ईयू नैशनल, उहदे विच कैटागोरी दे हिसाब हैगा वा कि कोई शैफ आ, कोई हैवी व्हीकल ड्राइवर आ, कोई फार्मर आ, कोई प्लम्बर आ, जिन्या भी कैटागरियाँ वा 151,000 पीपल उन्होंने रिक्वायर किए। तो दोस्तों जिहड़े साडे पाकिस्तानी भाई मिडल ईस्ट के अगर अप्लाई करना चाहन, बहुत ज़्यादा चांसेस आ वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा पाकिस्तान चो भी लभ जाता वा, लेकिन थोड़ा जहा हार्ड होना वा, कोई कोई टर्की दे विच आ, सऊदी अरेबिया दे विच आ, कतर, बहरीन, ओमान, जिथे भी आ, उन्हां लिए बहुत ज़्यादा मुफीद आ चांस के वह अप्लाई करन अपनी फील्ड दे विच, या जो भी और रिक्वायर्ड होवे अपनी फील्ड दे विच जान, ते उन्हां नूं ज़्यादा चांसेस आ कि वीज़ा उन्हां दा लग जाएगा विदाउट एनी एजेंट, कोई पैसा धेला नहीं आ। डायरैक्ट ऑनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन दे विच ना थले दूँगा, तुसी उन्हूं क्लिक करके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान चो अगर कोई बंदा जाना चाहता वा, एजुकेटड आ, अपनी को स्किल भी है वा, अगर उन्होंने वो कैटागरी वो है वा वो अप्लाई करे। इंडियन जेड़े आ उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद उन्होंने मंगी आ, तो इंडियन भी जेड़े आ मेरे भाई दोस्त अहबाब वो भी अपना अप्लाई कर सकते। अच्छा वह एक तरीका होर भी आ जिहड़ा मैं तुहानू बड़े ही ना डिटेल ना तो नहीं, मैं तुहानू शॉर्ट करके दस दिंदा कि अगर किसी का कोई अजीज़ आ, कोई दोस्त आ, कोई रिश्तेदार आ, फैमिली या फ्रेंड आ, वैरी क्लोज,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਫਰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਾਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨ ਈਯੂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਟੋਪਿਕ ਤੀਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।